कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, ये सारी बिल्डिंगें छोटी छोटी ईंटों से बनी हुई हैं। कोई बड़ा आदमी नहीं है, ये सब छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बड़े आदमी बने हुए हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे सब ने, जो सब चक्कर में नहीं, पहले 100 करोड़ रुपये आएंगे फिर मैं हॉस्पिटल बनाऊँगा। अबे भाई, एक आदमी को तो 100 रुपये का तू इंजेक्शन लगवा दे। नहीं, पहले 100 करोड़ आएंगे फिर करूँगा। उसके अंदर गिविंग जो है, गिविंग का लॉ ये है कि मोहब्बत दोगे मोहब्बत मिलेगी, दोस्ती दोगे दोस्ती मिलेगी, पैसा दोगे पैसा मिलेगा, जो बांटोगे वो वापस आना शुरू हो जाएगा। ये लॉ है। आर्ट ऑफ गिविंग क्या होता है, इनका सवाल है। और उससे क्या होता है, सवाल ये है कि देने से क्या होता है। दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी लॉज बनाई हैं जिनका हमें पता नहीं है। एक और किताब मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा आपको, उसका नाम है द सक्सेस प्रिंसिपल। उसकी ऑथर का नाम है जैक कैनफील्ड। उसके अंदर उसने 100 प्रिंसिपल्स डिफ़ाइन किए हैं सक्सेस की। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लॉज हैं एक तरह के, जो कि मिसाल के तौर पे ग्रेविटी की लॉ है, नीचे जाएगा ना, बिल्कुल उसी तरह से लॉज है। जब अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, जितना दोगे उतना आगे से वापस आएगा, ये लॉ है। लेकिन क्योंकि इस पे लोग अमल कम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी नहीं आता। अब जो सनातन धर्म है, हिंदुज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी, इसमें वो सारे लॉज रिलीजियस फ्रेमवर्क में दिए गए हैं। झूठ ना बोलो, कोई मज़हब नहीं कहता झूठ बोलो। जब आप झूठ नहीं बोलते आपको सुपर पावर्स मिल जाती हैं खुदा की तरफ से, जिससे आपके काम आसान हो जाते हैं। जब आप देना शुरू करते हैं तो जब आपको ज़रूरत होती है तो वो आपको, आपके जो फरिश्ते बैठे हुए हैं, आप उसको फरिश्ता बोलें, आप उसको खुदा बोलें, जो भी जो आपका बिलीफ है, वो आपके लिए वो चीज़ें पहले से करना शुरू कर देते हैं जो आपको चाहिए। जो कुछ आपकी ज़िंदगी में आपके साथ मुश्किल आने वाली, सदका क्यों करते हैं, सदका का हुक्म है ना, सदका कर दो मसला हल हो जाएंगे, आफतें टल जाएंगी, क्योंकि आप किसी के लिए भला करते हैं। जब आप किसी के लिए भला करते हैं तो आपके साथ खुद ब खुद भला होने शुरू हो जाता है। अब वो कैसे होता है, ये जो स्पिरिचुअल साइंसेस हैं जिसको अंदर लोग माइंड साइंसेस भी बोलते हैं, उसके अंदर कुछ लोगों ने डिफ़ाइन किए हैं। मिसाल के तौर पर ये जो सक्सेस प्रिंसिपल की किताब है, इस तरह और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, उन्होंने बताया है कि ये प्रिंसिपल्स हैं और ये लॉ है। उसमें से एक लॉ सबको पता है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो लॉ ऑफ गिविंग है, लॉ ऑफ और भी इस तरह की लॉज हैं, मुझे मैंने याद नहीं करी हुई है। लेकिन ये मालूम है कि जितनी चीज़ें कुरान सुन्नत और जितनी मज़हबों ने सिखाई हैं वो सारी सही हैं। उनको आप जब फॉलो करते हैं तो आपके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, अंदर भी और बाहर भी। और जब आप इस रास्ते पे चलते हैं तो आपके जो ज़िंदगी है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। आप उस राह पे चलते शुरू होते हैं जो आपके लिए पहले से लिखा गया है, और उससे आपके उसके अंदर जो मसले आने होते हैं, ये गेम की तरह है। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, अगला लेवल आता है, फिर वहाँ पे 2-3 दफ़ा गिरते हैं, हारते हैं, फिर दोबारा उसी लेवल में जीत जाते हैं, फिर अगले लेवल पर पहुँच जाते हैं। हर लेवल पे हमें कुछ सीखना है। हम सीखते जाते हैं, अगले लेवल पर पहुँच जाते हैं, सीखते जाते हैं, अगले लेवल पर पहुँच जाते हैं। गेम खेलते रहो ज़िंदगी का। उसके अंदर गिविंग जो है, गिविंग का लॉ ये है कि मोहब्बत दोगे मोहब्बत मिलेगी, दोस्ती दोगे दोस्ती मिलेगी, पैसा दोगे पैसा मिलेगा, जो बांटोगे वो वापस आना शुरू हो जाएगा। ये लॉ है। अब इसको क्योंकि डर लगता है लोगों को तो वो करते नहीं। अब पानी को एक जगह रख दो, बदबू आ जाएगी। पानी को चलना शुरू कर दो, पानी ताज़ा रहेगा हमेशा। इसी तरह से पैसे को एक जगह रख दोगे तो बरकत नहीं होगी, पैसे को इस्तेमाल करते रहोगे तो बरकत हो जाएगी। मोहब्बत को एक जगह, किसी को मोहब्बत नहीं दोगे तो तुम्हें को मोहब्बत नहीं देगा, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो मेरे को रिस्पेक्ट नहीं देगा। जितनी रिस्पेक्ट चाहिए उतना देना शुरू कर दो, दूसरों को देना बांटना शुरू कर दो, हर एक को बांटते रहो। तुम देखोगे तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ से रिस्पेक्ट आ रही होगी, पता ही नहीं चल रहा होगा क्यों कर रहे हैं लोग। मुझे आज तक नहीं समझ आता मुझे लोग रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, लेकिन मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करता। मैं समझता हूँ हर एक
बराबर है, हमेशा से ये सुना, हमारी अम्मा ने ये सिखाया, सब बराबर है। तो ये है आपका सवाल क्या था, आर्ट ऑफ गिविंग। आर्ट ऑफ गिविंग ये है मेरे ख्याल में। तो सवाल जवाब का अगला सवाल आ रहा है लगता है मुझे भी। उससे आगे फर्क क्या पड़ेगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर तुम देते रहोगे तो। तुम्हारी ज़िंदगी में मिसाल के तौर पे कल तुम्हारी टांग टूट जाए, तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि टूटी हुई टांग के साथ चलना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। अगर तुम्हारे पास से पैसा चला जाए, तुम्हारा घर चला जाए, तुम्हारे पास जो बचा है वो भी चला जाए, तो तुम्हारी ज़िंदगी सो कॉल्ड मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर तुम उसको भी एक्सेप्ट कर लो, ओके चला गया, ठीक है आया भी तो मैंने वो कौन सा मैं साथ लेके आया था अल्लाह मियाँ के पास। अब तुम क्या रहे हो, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड आ गया तुम्हारे अंदर। जब लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड आ गया कि हर हाल में खुश रहना है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, जैसे वो नबी थे, कीड़े गिर जाते थे वो उठाते नहीं थे, तुम्हारा रिस्क इधर आ जाओ। तो ये जब आप डालते हैं, तो आप जब उस लेवल से अगले लेवल पे पहुंचते हैं, तब आपको उसके फ़ायदे मिल रहे होते हैं। जैसे आप गेम खेल रहे हो, कौन सा गेम पसंद है आपको, छोटे थे तो कौन सा गेम खेलते थे? स्नोबॉल्स मुझे नहीं खेला, और कोई मारियो ब्रदर्स, चलो मारियो ब्रदर्स में पावर मिल जाते थे, स्टॉक में रखे होते थे, तो अगले लेवल पे वो काम आते थे। तो इसी तरह ज़िंदगी में आप जब काम कर लेते हैं तो वो कारमा आपका अच्छा हो जाता है, तो अगले लेवल पे जब आप पहुंचते हैं, जैसे अभी आप 33 के हैं, 33 के 32 के हैं, जब आप 40 के पहुंचेंगे तो पिछले कारमे आपके, या पिछले जो आपके सुपर पावर थे, वो आपको 40 में काम आ रहे होंगे। 40 तक में जो किया होगा वो 50 में काम आ रहे होंगे। अगर अब्बा के साथ अच्छे हुए होंगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। अगर मैं अपने अब्बा के साथ अच्छा नहीं था, तो डेफिनेटली मेरे बच्चे ने मेरे साथ गड़बड़ करनी है, आपने सुना होगा ये बात, और वो होता है। इट्स अ लेवल ऑफ लाइफ, एंड आपकी ज़िंदगी नस्बतन आसान हो जाती है अपने अंदर देने से। यानी मुख्तलिफ इंसान, अच्छा जो इंसान है या ज़बरदस्त जो इंसान है, वो कोई एक चीज़ की वजह से नहीं है, वो मल्टीपल चीज़। अगर आप लॉ ऑफ गिविंग कर रहे हैं और लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। फिर आपको कारमा या यूनिवर्स या कायनात या अल्लाह सिखाएगा कि आपने ग्रैटिट्यूड लेकर आना है अपने अंदर। आपको इतनी तकलीफ़ में डाला जाएगा कि आप ग्रैटिट्यूड सीख लेंगे, आपको सीखना पड़ेगा, आपको कंप्लीट बनाएगा। ये जो दुनिया है, ये इम्तिहान है ना, इम्तिहान के लिए कोचिंग भी की जाती है, यहाँ पर कोचिंग मिलती है मुश्किलात के ज़रिए। तो वो मुश्किलात आपको दी इसलिए जा रही हैं कि आपकी कोचिंग हो, जब आप मुश्किलात में ग्रैटिट्यूड रखेंगे, आपको ग्रैटिट्यूड सिखाना है यूनिवर्स ने, तो जब आप ग्रैटिट्यूड सीख लेंगे, तो फिर आपको अगली क्लास में डाल दिया जाएगा। ओके, ये तो काम सीख गया अगली, यानी आप मेरे पास काम कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब ये हमने कहा यार चलो एक इंटर्न रखते हैं, उसको सबसे पहले कहेंगे बेटा तुम एक काम करो ना, फोटोशॉप पे ज़रा ये छोटा सा कार्ड ABCD बनाना सिखा दो। जब वो सीख जाता है तो कहते अच्छा ठीक है, अब थोड़ी सिखाएंगे उसको, अब उससे मुश्किल, अब उससे मुश्किल, अब उससे मुश्किल, अब उससे मुश्किल। ये लाइफ है, वो नहीं सीखेगा तो अगले के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए सिखाने ज़रूरी है उसको ABCD लिखना, कि वो EFG पे सिखा सकें हम उसको। लेकिन अगर हम जो लोग सीखना नहीं चाहते, वो क्या होता है, फिर वो वहीं रहते हैं, फिर गरीब रहते हैं, इसलिए कि वो छोटी सीख है, नहीं सीखना चाह रहा, वो थैंक यू बोलना ही नहीं सीख रहा है एक इंसान। अब हम किसी को कह रहे हैं यार आप थैंक यू तो बोल दिया करें, मैं क्यों थैंक यू बोलूं, मुझे अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं है, मैं तो इतना सा ये हूँ, तो क्या होगा, वो फिर आगे नहीं जा ही नहीं सकता। क्यों, इसलिए क्या कहते हैं, बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब। अगर ये लेवल्स हैं, अगर यही नहीं सीख रहा, तो अगले लेवल पे वो नहीं जाएगा, अमीर नहीं हो सकता, खुश नहीं हो सकता। ये छोटी छोटी चीज़ें अपने अंदर डालनी है, बड़ी चीज़ें नहीं हैं, है ही नहीं बड़ी चीज़ें, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, ये सारी बिल्डिंगें छोटी छोटी ईंटों से बनी हुई हैं, कोई बड़ा आदमी नहीं है, ये सब छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बड़े आदमी बने हुए हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे सब ने, जो सब चक्कर में नहीं, पहले 100 करोड़ रुपये आएंगे, फिर मैं हॉस्पिटल बनाऊँगा। अबे भाई, एक आदमी को तो 100 रुपये का तू इंजेक्शन लगवा दे,
नहीं सर, पहले 100 करोड़ आएंगे फिर करूँगा मैं, है ना, इंतज़ार में बैठे हैं, पहले ये होगा फिर करूँगा, वो कैसे होगा ये पता नहीं, बता रहा हूँ। छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं रोज़ाना के, एक एक मिनट दो दो मिनट के काम करने हैं, नहीं है कोई बड़ा स्टेप। कोई PhD करने से नहीं आएगा, छोटे 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 बहुत सारी चीज़ें करनी है, और बहुत सारी भी नहीं है, 100 हैं शायद, 100 उसमें से 80 सब में हैं, उसमें से 80 भी हैं तुम्हारे पास, 10-20 के चक्कर में फंसे हो। ये 5 है ना, 5 उंगलियों में सबके सब, सिर्फ मैक्सिमम 2 उंगलियां ख़राब है सबकी, 3 उंगलियां बिल्कुल ठीक है सबकी, मेजॉरिटी जो मुझे मिलते हैं, जो कुछ आज मैंने पढ़ाया ये सब वही है। मैं क्या करूँगा .com भी यही था, ज़िंदगी को कैसे जीऊँ किताब वो भी यही था, सब कुछ वही है। मैंने तो अपने जो कुछ सीखा वो बता रहा हूँ। अफसोस ये है कि मैं अभी तक इसको कोर्स की शक्ल नहीं दे पा रहा हूँ, मैं इसको स्केल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, ना तुम लोग को समझा पा रहा हूँ, लेकिन मैं लगा हूँ, कोशिश करा जा रहा हूँ, सीखा जा रहा हूँ, सिखाया जा रहा हूँ, सीखा जा रहा, जाके मैं बेहतर सिखा सकूँ। और मेरा ख्याल है कि मैं 10 साल पहले जैसे बोलता था उससे तो बेहतर ही बोलता हूँ, बोलते बोलते यही सीखना होगा शायद मैंने, मेरे लिए ये लेवल होगा कि आप बोलना तो सीख लें भाई, उसके बाद आपको इल्म देंगे कि आपको बोलना क्या है। तो मैं भी अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए, बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा ये जर्नी है। आप अक्सर लोग कहते हैं ना आप ये करना चाहते हैं, आप लोगों का फ़ायदा करना, कुछ भी नहीं करना चाहता मैं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, अपनी तपस्या है मेरी, अपनी कोशिश है कि मैं बेहतर इंसान बन जाऊँ। आप फ़ायदा उठाएं ना उठाएं ये आपका प्रॉब्लम है, आरिफ भाई सुने ना सुने ये आरिफ भाई का प्रॉब्लम, मैं अपना हिस्से का काम करता जाऊँ, आरिफ भाई नहीं ले रहे मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मारूँ पीटूँ क्या करूँ, गोली मार दूँ क्या करूँ, नहीं कर सकता। जब टाइम आना होगा हमारी कौम का आगे यूँ चली जाएगी, लेकिन हम अपना काम शहीदों में अपनी उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं।